अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत बीएससी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये सवालात हैं। वैसे ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इम्तिहान में आला कामयाबी के लिए पूरे हैंडआउट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप थोड़े वक्त में तैयारी करना चाहते हैं तो ये आज के सवालात काफ़ी अहम हो सकते हैं। वीयू से मुतल्लिक और भी बहुत सी वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए वीयू से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात पर मबनी वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पर, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इंग्लिश के बाकी कोर्स पर भी वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं इनको पढ़ने में टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इनको जस्ट मूव कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर्स ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक पर, कि हर कोर्ट के टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊँ जिसमें उर्दू में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन की जाएगी। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप इनके स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो डाउनलोड करके आप इन्हें रोक रोक कर वीडियो भी देख सकते हैं। आईटी से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात आपके पास हैं, आपके पास बहुत लेटेस्ट नॉलेज है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नए हैं उनके लिए ये चीज़ें कारगर साबित हो सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं 502 इंग्लिश 502 पर डिटेल्ड वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखूंगा हर टॉपिक पर, जो नए स्टूडेंट्स हैं बीएससी इंग्लिश के उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और आपके सेमेस्टर 3 के लिए मैं वीडियोस भी बनाऊंगा जो इंग्लिश के कोर्स होंगे। सो आप मेरे चैनल के साथ टच रहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ें मिला करेंगी। बाकी मेरे इस चैनल पर FAFSC ICS की इंग्लिश पर भी अच्छा खासा मटेरियल मौजूद है, आप इस्तेफादा कर सकते हैं। और एक्सपर्ट गाइडेंस मौजूद है पेपर कैसे हल करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस के, प्लेस के शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस,
रीज़नेबली लेंथ के साथ, ना ज़्यादा बहुत लेंथी और ना ही शॉर्ट। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से पेपर कैसे चेक किया जाता है और तैयारी कैसे करनी है, इसमें मीडियोकर स्टूडेंट्स और ब्रिलियंट स्टूडेंट तमाम के लिए गाइडेंस मौजूद है और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वीडियो के साथ ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना ताल्लुक अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़बूत हो दिन ब दिन, और हमें अपनी जो ख्वाहिशात हैं इनको अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं सुनता है और हमें हार्ड वर्क पर भी हार्ड वर्क भी तब ही कर पाता है इंसान जब अल्लाह के यहाँ अप्रूवल हो। सो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए दूसरों के लिए, तो इंसान के अपने लिए भी भला होता है। डू गुड हैव गुड। सो पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन बट ऑल ऑफ द पीपल। तो बस ये वीडियो ख़त्म ही होने वाली है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। इस यूनिवर्सिटी का मटेरियल बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आपकी ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के सिलसिले में भी बहुत काम आएगा आपको आइंदा ज़िंदगी में। बल्कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी इंग्लिश की या लेक्चरर इंग्लिश की कमीशन से, उनको यहाँ से तैयारी करनी चाहिए। ये भी चीज़ें शामिल होती हैं बहुत कम, लेकिन मैं लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक्स का जो मटेरियल है यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं वीयू के सिलेबस से। सो दैट्स इट फॉर द डे।